में एक ऐसे पोर्टल के बारे में बात करने वाले हैं जहां से आप आधार कार्ड में अपडेट का काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो आधार कार्ड में अपडेट होता है वो होता है नाम अपडेट होता है, एड्रेस अपडेट होता है, मोबाइल नंबर अपडेट होता है, और इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो अपडेट होता है वो डेट ऑफ बर्थ अपडेट करते हैं, पति का नाम, पापा का नाम, ये सब कुछ अपडेट जो होता है यही सब लोग ज्यादातर अपडेट करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि आधार अपडेट आईडी जो है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाती है, जिसका कोई चार्ज भी आपको नहीं लगता है। और ये जो है ये एथोराइड आईडी आपको मिलेगी, जिस आईडी पे आप आधार ऑपरेटर के जितने भी काम होते हैं आधार अपडेट से रिलेटेड वो सभी वर्क आप कर सकते हैं, खुद से वर्क कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जितने भी कस्टमर होंगे उन सभी कस्टमर को आधार अपडेट आप कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल नंबर किसी का खो गया है तो उसका मोबाइल नंबर भी आप अपने दुकान से, अपने शॉप से, अगर आपने साइबर कैफे या डिजिटल कैफे खोला है तो ये आईडी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अपडेट का काम होता है वो यही सबका अपडेट होता है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ ज्यादा अपडेट होता है, बाद बाकी अपडेट उतना नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको आधार नया बनाने वाली आईडी तो नहीं मिलेगी, लेकिन आधार ऑपरेटर की आईडी, आधार अपडेट करने वाली आईडी आपको जरूर मिल जाएगी, और वो भी आपको बिल्कुल फ्री में। और एथोराइड आईडी आपको मिलेगी जिसमें आपको आराम से ये सभी वर्क जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले हम आधार अपडेट करने की आईडी लेंगे, तो यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे वेलकम टू माय आधार, ठीक है, यहां से पहले अपडेट होता था लेकिन मोबाइल नंबर लिंक होता था तब होता था। ठीक है, तो अब तो यहां से भी नहीं हो रहा है मोबाइल नंबर लिंक, जैसे कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे थे कि घर से ही अपडेट कर लेते थे, लेकिन यहां से अब अपडेट होना बंद हो गया है, तो ये भी अपडेट का काम जो होगा वो आपके दुकान से ही होगा। ठीक है, तो अब आप अपडेट कैसे करेंगे, आपको ये आईडी कैसे मिलेगी, और वो भी बिल्कुल फ्री में, क्योंकि बिल्कुल फ्री में आपको कोई भी आईडी नहीं मिलती है, तो ये आईडी आपको कैसे मिलेगी, आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको गूगल पे जाना है और यहां पे आपको सर्च करना है आधार, ठीक है, AADHAR, ठीक है, आधार एग्जाम। जब यहां पे आधार एग्जाम सर्च करेंगे तो आधार एग्जाम सर्च करने के बाद यहां पे वेलकम टू लॉगिन पेज का यहां पे ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहां पे वेलकम टू लॉगिन पेज का ऑप्शन आएगा, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एनी क्वेरी रिलेटेड, ठीक है, एग्जाम फी, एग्जाम सेंटर, और यहां पे एग्जाम स्लॉट, ठीक है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगी, और हाउ टू अप्लाई, यहां से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए वेलकम टू लॉगिन पेज, यहां पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे एक और चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है, वो भी चीजें हम बताएंगे, लेकिन दोस्तों यहां पे सबसे पहले आपको यहां पे सिंपल सर्टिफिकेट में जाना है, और यहां पे सर्टिफिकेट देखना है कि आपको यहां पे सर्टिफिकेट कैसा मिलता है। ठीक है, तो यहां पे आपका फोटो लगा होता है, और उसके बाद यहां पे सर्टिफाइड में आपका लिखा होता है आपका नाम, और सक्सेसफुली आपने जो पास आउट किया होगा, ठीक है, वो आपका लेबल होता है। जैसे कि लेबल में क्या होता है, जैसे ज्यादा कुछ नहीं होता है, आप अगर सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट मिलेगी तो आपको यहां पे सुपरवाइजर सर्टिफिकेट लिखा रहेगा, अगर ऑपरेटर की सर्टिफिकेट मिलेगी तो आपको ऑपरेटर सर्टिफिकेट यहां पे लिखा रहेगा। ठीक है, इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है यहां पे। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे आपको ये सर्टिफिकेट सबसे पहले क्यों लेनी है और ये सर्टिफिकेट क्यों जरूरत है, तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले ये आधार की सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहां पे देख सकते हैं कि वेलकम टू आधार और टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, मतलब कि यहां पे आप एग्जाम देंगे और यहीं से आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाती है, और ये सर्टिफिकेट से ही आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे भाई बोलेंगे कि हमें बिना एग्जाम के आधार सेंटर कैसे मिलेगा, तो बिना सर्टिफिकेट का आपको आधार सेंटर नहीं मिलेगा, ये आपके पास सर्टिफिकेट होनी ही चाहिए, तभी जाके आपको आधार सेंटर में ऑपरेटर की आईडी मिल जाए, या अगर आप सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट लिए हैं तो सुपरवाइजर की आईडी मिल जाए। लेकिन यहां पे सुपरवाइजर जैसे कि नया आधार कार्ड बनाने वाली आईडी आपको जल्दी नहीं मिलती है, ठीक है, उसके लिए बहुत पापड़ आपको बेलना पड़ेगा। लेकिन वही अगर अपडेटर की आईडी लेंगे, अपडेट करने वाली आईडी लेंगे, तो वो आपको मिल जाती है, वो भी उसको बिल्कुल फ्री में मिलती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये सर्टिफिकेट आपको ले लेना है। इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्रिएट ए न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे XML फाइल अपलोड करेंगे, गूगल पे जाएंगे और यहाँ वहां पे सर्च करेंगे आधार XML फाइल डाउनलोड। ठीक है, तो वहां से आप अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तो ये डाउनलोड आसानी से हो जाता है, और यहाँ पे आपको अप्लाई करने का उतना तो प्रोसेस नहीं है, हम तो आपको बताएंगे कि आधार सेंटर कैसे लेंगे, ज्यादा अप्लाई करने का देखना है तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में जाएंगे, और हिंदी इंग्लिश में जो भी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया आधार का ये है। ठीक है, अब आपको यहां पे क्या करना है कि फिर गूगल पे आपको जाना है और यहां पे लिखना है आधार। ठीक है, AADHAR, और आधार यहां पे लिखने के बाद यहां पे आपको लिखना है आधार डैशबोर्ड। ठीक है, DESK। ठीक है, जब यहां पे डैशबोर्ड सर्च करेंगे तो यहां पे आपको फर्स्ट में ही आपको ऑप्शन आ जाएगा आधार डैशबोर्ड का, और आधार डैशबोर्ड UID। ठीक है, तो यहां पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे एनरोलमेंट, और यहां पे अपडेट, और यहां पे ऑथराइजेशन, और यहां पे ये। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, लेकिन यहां पे हमें क्या करना,
करना है कि आधार जनरेट के जस्ट नीचे यहाँ पे एक साइन आएगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे जगह कितने आधार सेंटर खुले हुए हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आपके स्टेट में कितने, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने, आपके मोहल्ले में कितने, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब हम बाय रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे कंपनी का यहाँ पे और एजेंसी का नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा और बहुत सारे एजेंसी आपको यहाँ पे भी प्राइवेट एजेंसी का देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंक की ज्यादा है, बैंक है IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का भी है, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसी में एक ऑप्शन सबसे ऊपर में आता है CSC ई गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। तो CSC ई गवर्नमेंट सर्विस मतलब CSC से भी आधार कार्ड अपडेट होता है, ठीक है। और कैसे होता है, तो जैसे कि यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आए और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे आधार, तो UCL यहाँ पे आपको सर्च करना है UCL, ठीक है। जब UCL सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही ऑप्शन आ जा रहा है आधार डेमोग्राफी अपडेट और UCL, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लाइंट ऑपरेटर आईडी और यहाँ पे कस्टमर मोबाइल नंबर, ठीक है। आपको सिर्फ क्लाइंट ऑपरेटर आईडी डालना है, जैसे कि आधार सेंटर पर जब जाएंगे ना तो वहां पे बहुत सारे तामझाम होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्लाइंट ऑपरेटर आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए और उसके बाद यहाँ पे पे कीजिए और उसके बाद कस्टमर का जितना भी ये होगा, जो कस्टमर का आप आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं उनका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, उसमें आप अपडेट का काम जो भी है वो कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, पति का नाम हो गया, पापा का नाम, ये सब कुछ चेंज करने का जो भी ऑप्शन है वो आ जाएगा, ठीक है। उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए कोई भी अपडेट करने के लिए। जैसे कि कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट होगा, जैसे कि नाम अपडेट करवाना है तो नाम से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए, जो गवर्नमेंट से अप्रूवेड वाला डॉक्यूमेंट हो, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए कस्टमर के पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस आईडी को लेना चाहते हैं, जैसे कि आप CSC आईडी अगर आपने नहीं लिया है तो सबसे पहले CSC रजिस्ट्रेशन करके, उसके बहुत सारी वीडियो मैंने बना दिया है कि CSC रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करनी है, और CSC रजिस्ट्रेशन करके आप यहाँ पे CSC से आधार सेंटर खोल सकते हैं, ठीक है। तो आधार सेंटर खोलने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे, इसके बाद आपको जब यहाँ पे लेना होगा आईडी, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी IIBF, ठीक है, मतलब इंडियन बैंकिंग फाइनेंस, यहाँ पे इसकी एक सर्टिफिकेट होती है और यही सर्टिफिकेट से आपको यहाँ पे आपको बैंकिंग की आईडी मिलती है और उससे आप CSC से आधार सेंटर खोल सकते हैं और बहुत आसान तरीका है। और यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो आपको डायरेक्ट आपको क्या करना है कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है CSC के, उनसे आपको बात करनी है और उनसे बोलना है कि हमें आधार की आईडी चाहिए और हमारे पास CSC आईडी है, तभी आपको वो अप्लाई करने का पूरा तरीका बता देंगे कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे आपको आधार सेंटर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है CSC के, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं उन्हीं से आप बात करेंगे तभी वो आपको आधार सेंटर दिला सकते हैं, बाद बाकी कोई नहीं दिला सकता, क्योंकि CSC आईडी का जितना भी मैनेजिंग का काम होता है वो आपके CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ही करते हैं, ठीक है। तो आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए और वो आपको CSC से आधार सेंटर बहुत जल्दी दिलवा देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग CSC से आधार सेंटर खोल चुके हैं और वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से ही बात करके खोले हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले